हेलो गाइस, आज हमारे पास HDFC बैंक की किट आ चुकी है जो वेलकम किट है। हमने एक अकाउंट ओपन किया था HDFC अकाउंट का, तो HDFC बैंक की तरफ से हमें ये किट भेजी गई है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आप HDFC बैंक का जो ATM कार्ड आता है उसके अंदर कैसे आप उसका पिन घर बैठे बना सकते हैं बगैर बिना बैंक जाए। तो बने रहें आज के हमारे इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम इस किट को ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको मिली हैं, फिर उसके बाद आपको इजी और आसान तरीके से पिन बनाना भी सिखाएंगे। अब इसके अंदर देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट रेफर है जिसको हमने ओपन कर लिया है और यहाँ इसका वेलकम लेटर हमें मिल जाता है, एक बुक मिल जाती है रीड करने के लिए ताकि हम इसकी कंडीशन को पढ़ सकें। और फिर उसी के नीचे आपको ब्रांडेड कुछ यहाँ पर हमें दिए गए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि कौन सा कवर आपको मिल रहा है और ये डेबिट कार्ड आपका कितना बैलेंस लेता है, कितना इससे लेन देन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस कंडीशन के अंदर लिखी गई हैं। सबसे मस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन्हीं सभी के बीच में है वो है हमारी पासबुक, जिसके अंदर हमारा इन्होंने नाम, पता और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। मैं इसको दिखाने वाला नहीं हूं आपको, तो हम हाइड कर देंगे। आप देखेंगे पासबुक भी अच्छी खासी है, इसके अंदर बहुत सारे पेज अवेलेबल हैं और इसी के साथ हमें एक चेकबुक मिल जाती है। चेकबुक के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, जहाँ आपका नाम होगा और दो चार चेक इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा चेक चाहिए तो इंटरनेट बैंकिंग से और चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। यहीं पर हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी, आपका ATM कार्ड जो इन्हीं कहीं के अंदर या किसी लिफाफे के अंदर पैक होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे डेबिट कार्ड ये आपको मिला हुआ है और इसका पिन बनाना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। अगर आप एक महीने के अंदर अंदर इसका पिन नहीं बनाएंगे तो ये फिर कार्ड आपका लॉक हो जाता है और बड़ी मुश्किल से आपका ये दूसरा आवेदन होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका, जैसे ही आपका कार्ड आए आपको इसका पिन बना लेना है। पिन बनाते समय आपको एक लिंक की ज़रूरत होगी और वो लिंक आपको बैंक भेजता है उसी रजिस्टर्ड नंबर पर जो आपने इसके अंदर दिया है। तो मेरे इस नंबर पर पिन आ चुका है और लिंक भी आ चुकी है। यहाँ OTP हमें दिखाया गया है कि इसका ये OTP है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन सो OTP की हमें ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, हमें इस लिंक की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपका ये लिंक डिलीट हो चुका है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसके पेज पर आ सकते हैं जहाँ से ईजी और आसान तरीके से अपना पिन बना सकते हैं। हमने इस वेबसाइट को HDFC.com करके, जो आपके सामने .ai करके वेबसाइट है, ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपसे आपका रजिस्टर्ड नंबर पूछेगा जो बैंक के अंदर आपने नंबर रजिस्टर्ड किया है, तो हम अपने उस नंबर को इंटर कर देते हैं और गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे इसी नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। आपके अगर इसी फ़ोन के अंदर OTP है तो आपको इसी तरह, जिस तरह मेरे सामने ये लिखा रहा है, दिखेगा, और अगर नहीं है तो आप उसको सही से फिल कर सकते हैं दूसरे नंबर के OTP को देखकर। हमने अलाउ पर क्लिक कर दिया है तो ऑटोमेटिक ये फिल हो चुका है। सबमिट बटन पर हमने क्लिक किया तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस पर इसको लेकर जा रहा है। यहाँ हमसे डेटा एंड प्राइवेसी कंसेंट के बारे में एक टिक लगाने के लिए कहा गया है, आप इसकी प्राइवेसी और पॉलिसी को पढ़ सकते हैं। हम इसको रीड करना चाहते हैं तो प्राइवेसी एंड पॉलिसी ऑफ HDFC बैंक LTD पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप इस पर टिक लगाएंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अगले प्रोसेस के लिए आपको आगे बढ़ा देगा। यहाँ आपके सामने ये माई कार्ड की वेबसाइट पर विजिट कर दिया गया है। अगर आप इसको अपने कंप्यूटर से हैंडल करना चाहते हैं इस लिंक को, तो नहीं कर सकते क्योंकि अब ये पर्सनल रीज़न की वजह से बैंक ने इसको ब्लॉक कर दिया है, सिर्फ इसको अपने फ़ोन से ही यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने कई ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड EMI, कंज्यूमर डबल लोन, फास्टैग वगैरह, यहाँ सभी से इसको हैंडल कर सकते हैं। हम अपने डेबिट कार्ड का पिन बनाना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक करेंगे, हमसे सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा डेबिट कार्ड के लास्ट के चार नंबर। आपको अपने डेबिट कार्ड के लास्ट के चार नंबर इंटर करने होंगे, जो कि हम यहां पर पर्सनल रीज़न की वजह से आपको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन यहां इंटर कर देते हैं।
आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जाएगी, आप डेट ऑफ बर्थ अपनी जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर ऐड के बटन जो नीचे दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अगर आप रेफरल कोड इसमें डालना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, वरना इसको ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं और डन के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो एक कार्ड आपका ऐड हो जाएगा। और अब यहाँ इस कार्ड के हैंडल करने के लिए, इसका पिन बनाने के लिए ऑप्शन आएगा आपको। अगर ये इंस्टॉल माई कार्ड्स का ऑप्शन शो हो रहा है तो इस पर क्लोज के बटन पर क्लिक करके इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। आपका कार्ड यहाँ पर शो होने लगा है, रुपे डेबिट कार्ड है और आप इस कार्ड का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। इस लिंक के द्वारा आप पूरा कंट्रोल इसका कर सकते हैं। यहीं पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेट पिन, तो सेट पिन के बटन पर आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जहाँ से पिन जनरेट होता है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपके सामने लिखा रहा है HDFC बैंक, बैंक आपकी मुट्ठी में, यानी ये बैंक जो है आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो फ़ोन के द्वारा ही आप कर सकते हैं। हम रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे जो हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर है, वेरीफाई विथ पर क्लिक करेंगे और आप इन दोनों इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड या कस्टमर आईडी। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है तो हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इनकी इंटर करेंगे जिनका ये अकाउंट है और फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ कंटिन्यू के लिए एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है और कंटिन्यू के लिए आगे बढ़ने का प्रोसेस आ चुका है। हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और अब एक OTP हमारे इसी नंबर पर जो हमने अभी इंटर रजिस्टर्ड नंबर इंटर किया था उस पर आएगा। आपको OTP को ध्यान से इंटर करना है और फिर आई हैव अथॉरिटी HDFC बैंक इस पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आपके सामने आएगी जहां कस्टमर आईडी के लास्ट के चार नंबर और इसका नाम और ईमेल आईडी कौन सा पड़ा हुआ है वो आ जाएगा और मोबाइल नंबर कौन से हैं लास्ट के चार नंबर आ जाएंगे, अकाउंट नंबर के लास्ट के चार नंबर आ जाएंगे, डेबिट कार्ड के शुरू के और लास्ट के चार नंबर आएंगे और आपसे नीचे पूछा जाएगा कि आप क्या पिन बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अपना पिन रख सकते हैं जो भी आपको बनाना है और फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। दोनों जगह सेम ही पिन हमें रखना है, इंटर पिन में भी और री इंटर पिन में भी। फिर आगे आप प्रोसेस को ऊपर बढ़ाएंगे और बाय क्लिकिंग ऑन कंफर्म आई एग्री पर क्लिक करके कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। आपसे पूछा गया है कि आप इसको वेरीफाई करिए तो क्लिक हेयर पर हम क्लिक करेंगे। अपने डेबिट कार्ड को वेरीफाई करने के लिए अगले प्रोसेस पर हम आ चुके हैं। यहाँ डेबिट कार्ड का पूरा नंबर हमें इंटर करना है जो 16 अंकों का डेबिट कार्ड के ऊपर मोटा मोटा लिखा रहता है। डेबिट कार्ड के पीछे एक CVV कोड होता है जो 3 अंकों का होता है, CVV करके लिखा होता है। हम उसको भी यहाँ पर इंटर कर देते हैं। कार्ड की डिटेल को हमने अपने हाइड कर दिया है, आपको इसी तरह जिस तरह बोला जा रहा है तो इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ नीचे आएगा एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट में भी नीचे आपको वैलिड अप टू का एक कार्ड के ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा। तो जब तक आपका कार्ड वैलिड है उस डेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में 01 और 2031, यानी 0131 लिखा हुआ है तो हम डालेंगे 2031। फिर रोसीट के बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ इसको ये वेरीफाई कर रहा है और थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले सकता है और फिर इसके बाद प्लीज वेट आवर कॉलिंग सर्विस और यू हैव सक्सेसफुली रीजनरेट योर पिन। यहाँ लिखा आ चुका है कि आपका पिन वाकई में सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है और अब आपको कहीं बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कहीं अपने इसको डेबिट कार्ड के पिन को लगाएंगे तुरंत ही आपका काम करने लगेगा। आप चाहे नेट बैंकिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे या कहीं भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप तो आपने सीख लिया है कि ATM कार्ड का पिन HDFC बैंक का किस तरह बनाते हैं। अगर आपको PNB का डेबिट कार्ड का पिन बनाना है तो वो भी हमने डाल रखा है और भी कई बैंकों से रिलेटेड हमारे वीडियो मौजूद हैं। हमारे पास आपके सामने एक मैसेज भी आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर डेबिट कार्ड, क्या क्या मैसेज लिखा हुआ है, पिन रीजनरेशन रिक्वेस्ट विद HDFC बैंक, जो है ये HDFC बैंक का हमारे पिन बन चुका है ये मैसेज है। सो आपने सीख ही लिया है कि किस तरह पिन बनाना है और भी बहुत सारी वीडियो
हमारे इसी चैनल पर आपको मिलती रहती है। आप बने रहें हमारे इस चैनल के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिए। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद जी।